नमस्कार। आज हम प्लांट्स एंड एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक फैक्टर जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर फैक्टर है टेम्परेचर या तापमान उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक क्लास बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक है, पेपर थर्ड जिसका नाम है प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। एटमोसफियर एंड इट्स गैसेस कंपोजिशन, वाटर एंड और टेम्परेचर, ये तीन एबायोटिक फैक्टर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि टेम्परेचर का जो मुख्य स्रोत है, जो मेन सोर्स है अर्थ के ऊपर, वो क्या है। तो जो मेन सोर्स होता है वो होता है सूर्य से आने वाली किरणें। तो सनलाइट जो आती है वो पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर का मेन सोर्स होता है। इसके अलावा भी कुछ और सोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनके द्वारा जो गर्मी उत्पन्न होती है वो भी पृथ्वी के ऊपर तापमान का एक स्रोत होती है। इसके अलावा मृदा के अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, वो भी टेम्परेचर का सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो बायोस्फीयर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन या जो श्वसन करते हैं उसके द्वारा भी अर्थ के टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होती है। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इन कारणों की वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि टेम्परेचर जो होता है, तापमान, उसको किसमें मापा जाता है। तो टेम्परेचर को फारेनहाइट अथवा डिग्री सेल्सियस, इन दो यूनिट्स के अंदर मापा जाता है, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। और अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी जो होती है उसके अंदर अलग अलग जगह के ऊपर तापमान में अंतर पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका इक्वेटर यानी जो विषुवत रेखा या जो मध्य रेखा है वहाँ पर तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये उसका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया इसका साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ पोल, इसको एनपी से लिख देते हैं, और ये हो गया इसका साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव। अब जैसे जैसे हम इस इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी आती है, तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होता जाएगा। और जब तापमान कम होता जाएगा यानी तापमान में परिवर्तन होगा तो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने में जो वनस्पति वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं वो भी परिवर्तित होते जाएंगे। जैसे इक्वेटर के आसपास जो प्लांट्स या जो वन पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन। उसके बाद में डेसिडुअस फॉरेस्ट आते हैं, पर्णपाती वन। उसके बाद में कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं जिन्हें हम शंकुधारी वन कहते हैं। उसके बाद में जो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जैसे कि जो अल्पाइन वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं, जो कि बिल्कुल कम तापमान के ऊपर उगने में सक्षम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो भी पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनके वितरण को प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करेंगे, एक रूल होता है, नियम होता है, उसको कहा जाता है वॉन टॉप रूल। वॉन्टॉफ रूल ये कहता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी दर रेट जो है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। परंतु ये सब एक लिमिटेड रेंज होती है टेम्परेचर की, उसी के अंदर संभव हो पाता है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान हम बढ़ाएंगे तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर जो है वो लगभग दोगुनी हो जाएगी, ये कहता है वॉन्टॉफ रूल। तो ये भी एक प्रकार का प्रभाव होता है तापमान का पेड़ पौधों की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर। अब मोस्ट ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो अधिकांश जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं वो
चार डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपना सबसे बेस्ट जो फंक्शन है, कार्य है, वो परफॉर्म कर पाते हैं। और इसी रेंज के अंदर जो ये 4 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री की जो रेंज होती है, इस रेंज के अंदर वो अपने अधिकतर जो बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो रेस्पॉन्स है वो कर पाते हैं। इसी रेंज को कहा जाता है बायोकाइनेटिक जोन। 4 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस का जो रेंज है उसको हम कहते हैं बायोकाइनेटिक जोन, क्योंकि अधिकतर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है वो इसी रेंज के अंदर अपनी जो है रासायनिक जीव रासायनिक अभिक्रियाएं कर पाते हैं। अब टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर उसका प्लांट की जो है फिजियोलॉजी या कार्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर पौधे की किन गतिविधियों को प्रभावित करता है, तो उसके अंदर एक आता है मिनरल एब्जॉर्प्शन। प्लांट जो होता है वो जमीन से जो मिनरल्स जो है उनको एब्जॉर्ब करता है, टेम्परेचर का उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके अलावा वाटर अपटेक, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, और प्लांट का जो ग्रोथ है, ये सभी प्रकार की जो प्लांट की एक्टिविटीज है उनके ऊपर टेम्परेचर का जो है बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम जो होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर कई प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, उनके अंदर एंजाइम्स जो है उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो भी तापमान से प्रभावित होते हैं। तो एंजाइम जो है वो किस प्रकार तापमान से प्रभावित होते हैं ये देखते हैं। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं बायोकेमिकल रिएक्शंस के अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर से यदि हम टेम्परेचर और बड़ा देते हैं या टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो अधिकांश एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं या सक्रिय फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार अगर टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ ले जाते हैं तो भी जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन या कार्य जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो एंजाइम के ऊपर भी तापमान का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, अर्थात कि जब तापमान कम या ज्यादा होता है तो प्लांट उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए अपने अंदर कुछ अनुकूलताएं विकसित करता है, उनको कहा जाता है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब वो अडेप्टेशन क्या क्या हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली अडेप्टेशन इस प्रकार हो सकती है कि जो प्लांट का जो मान लीजिए तना है, ये लीफ है, जो तना और लीफ है इसका जो कलर है वो व्हाइटिश, तना और लीफ का जो कलर होता है रंग वो व्हाइटिश या ग्रे ग्रीन रंग जो है व्हाइटिश सफेद या ग्रे ग्रीन कलर का हो सकता है। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि ये कलर जो है वो सनलाइट को आसानी से रिफ्लेक्ट कर देता है, जो सनलाइट आ रही है उसको ये कलर आसानी से परावर्तित कर देता है, इस कारण वो जो उस सनलाइट से होने वाले जो डैमेज नुकसान है उससे वो बच सकता है। और दूसरी अनुकूलता की हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर, पत्तियों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है क्यूटिकल का, वो भी यही काम करता है सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उससे होने वाले नुकसान से पत्तियों की रक्षा या पौधे की रक्षा करता है। इसके अलावा कुछ कृषि पौधे होते हैं जैसे टमाटर और प्याज, उनके अंदर एक थिन क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है
क्यूटीन की लेयर होती है, थिन क्यूटीन लेयर पाई जाती है। जो कृषि पौधे टमाटर प्याज है उनके अंदर एक क्यूटीन की लेयर पाई जाती है, वो भी जो है सूर्य से जो सनलाइट आती है उससे डैमेज को रोकती है। इसके अलावा जो लीफ का ओरिएंटेशन है, यानी पौधे के ऊपर पत्ती किस प्रकार से लगी हुई है, वो भी एक प्रकार का मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। जैसे कि यदि पत्ती सनलाइट से राइट एंगल के ऊपर है, ये पत्ती है और ये सनलाइट के अगर राइट एंगल के ऊपर है तो इससे प्लांट या लीफ को नुकसान ज्यादा होता है। इससे बचने के लिए इसका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। मान लीजिए ये पत्ती जो है वो सनलाइट के परपेंडिकुलर या वर्टिकल हो जाए, इसकी पोजीशन सनलाइट के वर्टिकल हो जाए, तो उस दशा के अंदर जो आने वाली हीट है या जो सनलाइट है उससे पौधे की रक्षा हो सकती है। तो ये इस प्रकार कुछ प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन थे जो कि प्लांट टेम्परेचर से बचने के लिए डेवलप करता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक हुए थे लेविट, उन्होंने 1980 के अंदर तापमान के आधार पर पादपों में होने वाले मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, चाहे वो अधिक तापमान के प्रति हो या कम तापमान के प्रति, उनका अध्ययन किया था लेविट नाम के वैज्ञानिक ने। अब दो टर्म होती है, जैसे कि एक होता है प्रेसिपिटेशन और एक होता है टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण और एक होता है टेम्परेचर, तापक्रम या तापमान। ये दोनों ही जो घटक होते हैं, कारक होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए और ये दोनों आपस में मिलकर किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति वेजिटेशन है या जीव जंतु है उसको प्रभावित करते हैं। अब हम दो उदाहरण लेते हैं, एक है हमारे ध्रुवों का जो तापमान है और एक है हमारे मरुस्थल जो रेगिस्तान है वहाँ। दोनों ही जगह पर जो वार्षिक वर्षा है, एनुअल रेनफॉल है, वो लगभग 25 डिग्री सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक रेनफॉल या एनुअल रेनफॉल होता है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर के लिए 25 सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल पाया जाता है दोनों ही जगह पर, ध्रुवों के ऊपर और रेगिस्तान के ऊपर। परंतु जो टेम्परेचर है वो ध्रुवों पर भी अलग होता है और रेगिस्तान के ऊपर अंदर भी अलग होता है। जिस प्रकार ध्रुवों के ऊपर टेम्परेचर कम होता है और रेगिस्तान के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये इस प्रकार का जो टेम्परेचर का अंतर होता है उससे भी इन दोनों जगह पर जो आर्कटिक जो प्रदेश है और जो टुंड्रा प्रदेश है, और ये दोनों एक ही है आर्कटिक और टुंड्रा, और जो डेजर्ट होता है वहां पर आर्कटिक प्रदेश और डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। इस कारण वहां की वेजिटेशन जो है वो भी अलग अलग होती है, तो ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। अब टेम्परेचर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, वो है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं बसंतीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण, वर्नेलाइजेशन एक मेथड होता है जिससे फ्लावरिंग या पुष्पन को प्रेरित किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है, वो इस प्रकार करते हैं कि जो उनके जो पौधे का जो बीज होता है, सीड होता है, उसको एक कम तापमान का ट्रीटमेंट दिया जाता है। वर्नेलाइजेशन इज मेथड ऑफ इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। कैसे किया जाता है,
प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स विथ लो टेम्परेचर। इस प्रकार के जो फ्लॉवरिंग को इंड्यूस किया जाता अर्ली, यानी पहले ही, अर्ली फ्लॉवरिंग कह सकते हैं। अर्ली फ्लॉवरिंग को इंड्यूस करने का एक तरीका है जो कि बीजों को कम तापमान पर रख करके प्रदर्शित किया जाता है। वैसे जो वर्नेलाइजेशन होता है, बसंतीकरण होता है, उसका मुख्य जो कारक या इसके ऊपर जो मुख्य प्रभाव पड़ता है वो है लाइट का। जैसे कि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो फ्लावरिंग है उसके ऊपर मुख्य जो प्रभाव होता है वो लाइट का होता है। परंतु कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि या तो एनुअल होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, या बाई एनुअल होते हैं, यानी कि द्विवर्षीय, एक वर्षीय पौधे और द्विवर्षीय पौधे। इन दोनों के अंदर भी टेम्परेचर का अलग अलग प्रभाव होता है। जब हम एनुअल यानी एक वर्षीय पौधों की बात करते हैं, एक वर्षीय पौधे जो होते हैं उनके अंदर जो पुष्पन या फ्लोरिंग होती है उसके वो मुख्यतया लाइट के ऊपर निर्भर रहती है। टेम्परेचर का उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं होता है। टेम्परेचर या हम कह सकते हैं सेकेंडरी फैक्टर होता है। लेकिन जो बाईएनुअल पौधे होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि इनको कम तापमान नहीं मिलता है तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं यानी फ्लावरिंग जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही होती जा रही है। टेम्परेचर उनको लो टेम्परेचर मिलेगा, लो कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा, तभी वो जो है उनके अंदर फ्लावरिंग हो पाती है। इस प्रकार एनुअल और बाई एनुअल प्लांट के ऊपर भी टेम्परेचर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट थे रॉन्कियर, उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। जैसे कि फर्स्ट है मेगाथर्म, सेकंड मीजोथर्म, थर्ड जो होता है वो है माइक्रोथर्म, और फोर्थ है हैकिस्टोथर्म। उन्होंने टेम्परेचर के आधार पर प्लांट जो है पौधे उनको चार भागों के अंदर विभाजित किया। सबसे पहले बात करते हैं मेगाथर्म। तो ये मेगाथर्म उस प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वो पौधे होते हैं मेगाथर्म। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब बात करते हैं मीजोथर्म। मीजोथर्म जो प्लांट होते हैं वो अधिक तापमान को भी सहन कर लेते हैं और कम तापमान को भी सहन कर लेते हैं, परंतु इनको जीवित रहने या अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दोनों ही प्रकार के तापमान की आवश्यकता होती है, वो हो गए मीजोथर्म। फिर आते हैं माइक्रोथर्म, ये न्यून तापी भी कहते हैं इनको। न्यून तापी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम तापमान के ऊपर भी जीवित रह पाते हैं। जैसे कि कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट जो शंकुधारी वन है वो माइक्रोथर्म की जो भाग है उसके अंदर आते हैं। और फिर आता है हैकिस्टोथर्म, इनको अति न्यून तापी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम तापमान के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। जैसे कि जो अल्पाइन और आर्कटिक वनस्पति होती है ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है जहाँ पर लगभग बर्फ जमी रहती है या तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है, वहां की जो वनस्पति होती है उसको हम कहते हैं हैकिस्टोथर्म। जैसे कि अल्पाइन यानी जो ऊंचे पहाड़ों के ऊपर पाई जाती है अल्पाइन वेजिटेशन, और दूसरी होती है
आर्कटिक वेजिटेशन। एल्पाइन और आर्कटिक जो वेजिटेशन होती है टुंड्रा प्रदेश के अंदर पाई जाती है, वहां पर बर्फ जमी रहती है और तापमान बहुत कम होता है, वहां पर भी जो है ये वनस्पति जीवित रह पाती है। इसको कहा जाता है हेकिस्टोथर्म। ये रोंगियर के जो चार प्रकार थे तापमान के आधार पर उन्होंने वनस्पति को विभाजित किया था। अब हम बात करते हैं जो झील होती है लेक, उसको भी टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। लेक के अंदर भी अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग तापमान पाया जाता है, उन जोन को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। मान लीजिए ये कोई लेक है, इसका जो सबसे ऊपर का जो जोन होता है उसको कहा जाता है एपिलिम्नियन, एपिलिम्नियन जो सबसे ऊपर का जोन होता है उसको कहा जाता है एपिलिम्नियन। ये होता है सरफेस वाटर, सरफेस वाटर। और जो बीच का जोन होता है उसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। बीच का जोन है उसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन। ये वो जोन होता है जहां पर टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होता है, इसके अंदर ग्रेजुअल चेंज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है। सबसे नीचे का जो जोन होता है उसको कहा जाता है हाइपोलिम्नियन। ये जो झील के अंदर सबसे जो पहले का जो जल होता है उसको कहा जाता है हाइपोलिम्नियन या लोअर लेयर। ये है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक, यानी टेम्परेचर के आधार पर लेक जो है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जहां पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है अलग अलग होता है। ये था टेम्परेचर एबायोटिक फैक्टर, जिसका कि प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव होता है ये हमने इसके अंदर देखा। थैंक यू।